हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे शो पर जो है रिनम्स प्रेजेंट एंड कहीं बातें जिंदगी की, जहां मैं आप सबको रूबरू कराऊंगी प्रदेश के जाने माने हस्तियों से जिन्हें आप पहचानते तो है लेकिन जानते नहीं, साथ ही साथ ऐसे आम लोगों से जिनकी कहानियों को सुनकर आप मोटिवेट और इंस्पायर हो पाए। और मैं फिर से बताना चाहूंगी, हर एक एपिसोड में बताती हूँ कि ये कोई फॉर्मल टॉक शो नहीं है, कैजुअल है, जहाँ पे मैं दिल से दिल की बातें करेंगे। तो आज हमारे साथ, ऑलरेडी आप फ्रेम में देख रहे हैं, अरुणाचल में तो सभी लोग जानते होंगे कि तागित सुरंग अरुणाचल प्रदेश का यंगेस्ट माउंट एवरेस्टर है। तो लोग तो उन्हें एज अ यंगेस्ट माउंट एवरेस्टर जानते हैं, लेकिन लोग यही नहीं जानते कि एज अ यंगेस्ट माउंट एवरेस्ट बनने के लिए, माउंट एवरेस्टर बनने के लिए उन्होंने लाइफ में कितना संघर्ष किया है और कभी गिव अप नहीं किया है, किस तरीके से उनका जर्नी था। आज उनसे मिलकर सीधे उनसे ही जानेंगे। तो तागित, सबसे पहले तो स्वागत है मेरे शो पर, और ये कैजुअल शो है, ठीक है, ये फॉर्मल नहीं है। तो पहले तो हम शुरुआत करना चाहेंगे, आप अपना इंट्रोडक्शन प्रॉपरली दे दीजिए, ब्रीफ में दे दीजिए, कहाँ से है ना, फैमिली के बारे में, एजुकेशन के बारे में थोड़ा बता दीजिए। मेरा नाम तो बता दिया, लेकिन भी मेरा नाम है तागित सोरंग अब्राहम, जो ब्रैकेट में देता है। तो हम 2013 से एडवेंचर शुरू किया, उससे आगे तो हम बस्ती में था। बस्ती मतलब हम लोग का बस्ती तो पिप सोरंग सर्कल में आता है। तो रिसेंटली चीफ मिनिस्टर का जो ताली विजिट में, थोड़ा आप लोग न्यूज़ में देखा होगा पिप सोरंग कितना इंटीरियर है, तो उधर से होके हमको हाई मासी जा लास्ट बस्ती है हम लोग का पिप सोरंग सर्कल, अभी जो करा दादी डिस्ट्रिक्ट आता है तो उसका लास्ट बस्ती में, उसमें हमको जाना हुआ था। तो उधर से होके हम जो पढ़ाई लिखाई के लिए, पढ़ने के लिए हम ट्राई किया है जब ईटानगर में आके 2004-05 का बात है, तो उसमें हम स्कूल में ज्वाइन किया ईटानगर में आके। तब से होके फिर हम 2013 में धीरे धीरे जो हम अपना स्कूल लेवल में शुरू करके, स्कूल से शुरू करके जब हम क्लास 9 में था तब हम एडवेंचर फील्ड में ज्वाइन किया। तो मेरा जब क्लास 2 समय में मेरा माँ गुजर गया था, जो 2003 का बात है, उस समय में माँ गुजर गया था। तो हम यहाँ से वेकेशन में बस्ती गया, तो मेरा माँ का डेथ हुआ वाला 7 डेज हो गया था, क्योंकि हम डेथ बॉडी भी नहीं देख पाया, लास्ट जो आखिरी मुलाकात भी नहीं हो पाया। तो एक्चुअली हम उस समय में, हम लोग उस समय में कोई उधर में कम्युनिकेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसे बस्ती में नेक्स्ट बस्ती, हम लोग का बस्ती पहुँचने से पहले नेक्स्ट बस्ती पहुंचाए तो उसमें बताया था ताली और पिप सोरंग का बीच में पहाड़ में, हमको एक तो भैया जो बताया कि आपका मम्मी जो ऐसे ऐसे होके मर गया, तो अभी एक हफ्ता जैसे हो गया बोला, तभी तो हमको मतलब ऐसे महसूस हुआ है कि क्या होगा ना, मतलब एक्जैक्टली सच है ना गलत है, हम खुद विश्वास नहीं था। घर में जाके हम असली पहुँचाए तो ऐसे ही हो गया था, तो हमको ऐसे दुख लगा था, लेकिन ऐसे नहीं सोचा था कि माँ मर गया बोल के, दिल में नहीं विश्वास नहीं था, लेकिन सिचुएशन तो ऐसे ही था कि अभी हम क्या बोलेगा ना। तभी हम, तब से हम बस्ती से ईटानगर में आया, तब हम हमेशा ऐसे अकेला जाते समय में कभी कभी याद आता था कि मेरा माँ को दिखाई देगा क्या ना, तो कई कई ऐसे कभी कभी ऐसे कोई किसी किसी के सेमिलर वाला पेश मिलने से ये क्या बोल के ऐसे टाइप का फील होता था कुछ समय तक ना, साल तक। तब लास्ट आखिरी शक्ल नहीं देखा था उसका वजह से, तो ऐसे होके तब धीरे धीरे हम जब क्लास पढ़ना शुरू, क्लास 5 पास होके 8-6 में, क्लास 6 में ना उसमें बुक्स में मिला था जो बच्चन धरीपाल का बायोग्राफी एक इंग्लिश क्या में किताब में मिला था, तो माउंट एवरेस्ट का बारे में कुछ ऐसे हिस्ट्री पढ़ा है। उसके बाद 2009 में जब एवरेस्ट जो हम लोग का पास अरुणाचल का एवरेस्ट था तपी महाराज, माउंट एवरेस्ट जाके आया था, उस समय में गवर्नर जे सिंह था, उस हम लोग तो इतना अवेयर नहीं था और इतना मालूम भी नहीं था, और उस समय में सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, नहीं था। सरोज चातुंग सर जो एक तो जो डीडी न्यूज़ में ना क्या कुछ न्यूज़ चैनल चलाता था, तो वो जो सिर्फ हम बताता था कि ऐसे ऐसे है बोल के। फिर पेपर में स्कूल समय में जब हम लोग का असेंबली में जब
न्यूज रीडिंग होता है तो उस समय में हेडलाइन पढ़ते हैं, तो उस समय में हम लोग को पूरा बड़ा पतो एक तो दिखा था तपी मारा को पूरा फूल माला पहना के पूरा सब फैमिली और एमएलए लोग मिनिस्टर लोग पूरा स्वागत करने वाला, तो वो प्रैक्टिकल देखा है। उससे आगे तो हम बायोग्राफी न्यूज में मतलब बुक्स में पढ़ा है एवरेस्ट के बारे में। उसका बाद धीरे धीरे फिर मरा सर को मिला है, तो मरा सर जो उस समय में ये स्थित गेस्ट हाउस या में था जब अभी चीफ मिनिस्टर का रेसिडेंट के सामने में, तो उसमें हम लोग जाके देखने गया था। ऐसे हम लोग दो तीन मतलब एक्चुअली एक बस्ती से कोई आया था मरा सर को जगह देखा बोल के हम लेके गया था। तो उसमें गया तो मरा सर का साथ में एक तो कॉन्स्टेबल था आयरबैंड कॉन्स्टेबल एक तो उसको रूम एक तो दिया था, फिर नया नया उसमें आया था ऐसे हो के तब भी हमको पता चला कि माउंट एवरेस्ट है क्या, तो मतलब इसे एवरेस्ट जाने से ऐसे मतलब फैसिलिटी मिलता है मतलब ऐसे था। तब हम सिर्फ जस्ट ऐसे लगा था कि उसका बाद 2013 में जब दिरंग में ना जब निमास इंस्टीट्यूट शुरू किया, जब उस समय में हम जो न्यूज़ में वो भी पेपर में देखा है जो हेडलाइन में देखा है उसका, या मैं डायरेक्टर डीके दंगलो था यूथ अफेयर्स का, तो स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स एक साथ था। उस समय में एक तो ऐसे स्किल डेवलपमेंट का कुछ ट्रेनिंग के लिए ना प्री ट्रेनिंग के लिए यूथ लोग के लिए चार यूथ को सिलेक्शन करना था, कुछ एडवर्टाइजमेंट आया है माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए। तो उसमें हम जाके हम मरा सर को भी मतलब ऐसे बात करके पूछा है ऐसे सच में है क्या, और उसमें एक तो था जो एडवेंचर सेल में रोमियो मटे मटे उसका भी उसको भी हम लोग बात करके मिला है। उसका बाद लड़का लोग हम लोग चार पाँच लड़का लोग हम लोग फॉर्म फिलअप किया नाम सम दिया ना डिटेल दे के, तो उसमें हमको एडवेंचर जो कोर्स के लिए सिलेक्शन मतलब जैसे जो एंडोरेंस कराया था संगेला दिन का भी स्पोर्ट्स जो फील में, तो रनिंग हम लोग को 12 मिनट का टाइम दिया था। उसमें अपना जितना दौड़ना है मतलब जितना चक्कर लगाना है दौड़ना है उसका रेस नहीं करना है, जो दौड़ भी सकता है चल भी सकता है ऐसे करके बताया था। तो उसमें से चार आदमी लोग का सिलेक्शन हुआ था, उसमें से हम भी था, हम चार नंबर में था। तब से आपका शुरू हो गया, तब से 2013 में हम एडवेंचर कोर्स करने के लिए निमास में गया है। तो अगस्त इसे अगस्त महीना में जाके हम लोग मई सितंबर तक ही उधर में निमास में था। उसमें निमास इंस्टीट्यूट जो नया नया था वो अपील गार्डन उसमें दिरंग का साइट में अपील गार्डन में था। इंस्टीट्यूट का भी कोई कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं था, टेंट लगा के अपील गार्डन में सिर्फ हम लोग ऐसे शुरू किया था। अभी जैसे अभी आपने तो ऑलरेडी ब्रीफ बता दिया, लेकिन हम जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना तक आपने पढ़ाई किया वो भी बता दीजिए, और फैमिली में सिर्फ अपने माँ के बारे में बताया, फादर या फिर आपका कोई सिबलिंग्स वगैरह है वो थोड़ा शेयर करें। कोई मेरा अभी जो प्रेजेंट फैमिली में मेरा पिताजी है बस्ती में, और मेरा बहन है, मेरा एक अपना माँ का हम और एक बहन है, बहन जो अभी कॉलेज में है सेंट कलरेट कॉलेज में, अभी फोर्थ सिम में होगा मतलब इस बार थर्ड सिम पास होकर। दो लोग ही हैं? दो लोग हैं, एक मेरा माँ का और मेरा पिताजी का, और सेकेंड मेरा सेकेंड माँ है, सेकेंड मतलब स्टेप मदर है, उसका सात बच्चा है। ओके। उसका अभी चौथा है, और दो तीन लोग तो यहाँ ईटानगर में है, मेरा साथ में रहता है, और ये भैया लोग का घर में बैठता है, और बाकी लोग तो बस्ती में है। और कितना 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 तक आपने पढ़ाई किया क्वालिफिकेशन अगर आप शेयर करना चाहें? हम तो ग्रेजुएशन किया है, हम जब एडवेंचर का साथ ग्रेजुएशन किया, हम हायर सेकेंडरी स्कूल ये ईटानगर में क्लास 12 पास होके तो हम डीएन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, एजुकेशन ऑनर्स लिया है। तो अभी जैसे आपने बता तो दिया 2019 से आपने एडवेंचर का जो एक्सपीरियंस करना शुरू किया, कोर्सेस लेना शुरू किया, तो कभी सोचा था कि आप एडवेंचरिंग लाइन में जाएगा? होता है ना बचपन से लोग बच्चों का कि बड़ा होकर ये बनेगा, पिताजी माँ पिताजी भी पूछता है कि बड़ा होकर क्या बनेगा, तो आपका आपका कुछ था एम्बिशन कि बड़ा होकर हमको ये बनना है या फिर आपको एडवेंचरिंग लाइन में ही जाना था ऐसा कुछ? शुरू चौथा में तो ऐसे कुछ नहीं था, स्कूल में जब प्रोग्राम होते समय में कुछ बाहर से कोई बड़ा आदमी आने से पूछता था आप लोग क्या बनेगा ये बने, हम तो करा करके वही बोलता था हम तो लीडर बनेगा, मतलब ऐसे अपना खुद को बोलता था हम तो बाद में पॉलिटिशियन बनेगा मैं पॉलिटिकल लीडर बने ऐसे कुछ बोलता था, क्योंकि एक ऐसे होता था कि हम लोग का ग्रुप में जो हम सबसे बड़ा होता था, क्योंकि हम तो बस्ती से आके क्लास 1-2 में ज्वाइन किया, तो हम सबसे बड़ा सब हर कोई हमको मतलब लीडर टाइप का लीड करने के लिए उसमें आगे जाता है, जैसे कुछ भी प्रोग्राम हो कुछ भी क्लास में क्या हो हमको लीडर के लिए बनाता था, क्लास में भी क्लास कैप्टन बनते रहता था, तो हम सबसे बड़ा था तो मैडम लोग भी हमको ही नाम बुलाते रहता था, तो इतना भी टैलेंट नहीं था कि मतलब वो जो क्लास का टॉपर ऐसे तो नहीं था, और इतना भी गधा नहीं था कि डायरेक्ट बिल्कुल ऐसे भी नहीं था, मीडियम था, तो एवरेज मैडम लोग भी प्यार करता था कि आप अच्छा है बोल के, पूरा सेंसरली ऐसे होता था स्कूल में भी सबसे आगे हम पहुँचता था, कोई भी क्लास में कोई नहीं होता था, हम
क्लास कैप्टन है, हम सबसे आगे हम आके जारू मरता था, इसलिए मैडम लोग और भी मतलब एक्चुअली हमको लीडर के लिए नहीं बनाता था, काम करने के लिए ऐसे बनाना वो चीज के। और जैसे जैसे तगीद ने ऑलरेडी आप सबको बता दिया है कि वो पीप सोरांग करादादी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। पीप सोरांग काफ़ी इंटीरियर है, जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं। और तगीद जैसे 2013 से आपने शुरू किया, तो जैसे आपका एक्सपेडिशन के बारे में बताएं, लोग समझते हैं कि एडवेंचर जो माउंट एवरेस्ट जो होता है उनको इजीली फंडिंग मिल जाता है, लेकिन आपका हमने जब आप वापस आए थे एक्सपेडिशन करके उसमें आपने काफ़ी बातें शेयर की। हम चाहते हैं कि आपका जो एक्सपेडिशन जो कौन से साल में किया था, क्या क्या कठिनाइयों को फेस करना पड़ा और कैसे आपने उसे फेस किया ना, उसे प्रॉब्लम को फेस किया, उसके बारे में थोड़ा बताएं लोगों को। मेन जो एडवेंचर जब हम लोग वही कोर्स जब किया था उसमें तो हम लोग को डिपार्टमेंट का तरफ से फ्री जो स्किल डेवलपमेंट टाइप का फ्री कोर्स के लिए भेजा था। कोर्स करने के बाद तो फिर उसमें फर्स्ट कोर्स में पता नहीं था बेसिक समय में ना, एडवांस फिर करके उसका एक्सपीडिशन ट्रैकिंग जब करना शुरू हो गया तो इतना सारा जो शू ट्रैकिंग शू से लेकर इतना दाम है, हैंड ग्लोव लेने से इतना दाम, फिर अरुणाचल में हम लोग ईटानगर में दुकान में ढूंढने से नहीं मिलता है। तो एक तो हम लोग को पास एक्सपीरियंस ऐसे था कि मारा सर जो एक तो एक्सप्लोर के लिए हम लोग को लेके जाना था जो माउंट कांग तो बेस कैंप के लिए, तो हम लोग को बोला है गूगल्स लो जो मतलब स्नो में मतलब ब्लैक वाला दो लो ना, तो वो गूगल्स के लिए हम लोग पूरा ईटानगर चक्कर मारा नहीं मिला। तो लास्ट में जो ये बाइक वाला रेसर जो पहनता ना बड़ा बड़ा वाला, वो बाइक दुकान से हम लोग लिया है, उसको कितना 1500 ना किसे करके हम लोग खरीदा है। तो दिखाए तो अभी वो तो बाइक में ही यूज करता है, वो ऊपर के लिए हम लोग के लिए नहीं है, लेकिन भी हम लोग उसको यूज करके पहना, या में सामान नहीं मिलता था। तो ऐसे होके फिर धीरे धीरे मतलब जो एडवेंचर जो चीज को जाना है तो बहुत कुछ मतलब इसमें इन्वॉल्व है, फाइनेंशियली इन्वॉल्व है और सामान एक्सपेंसिव है, सामान का दाम इतना ज्यादा है और सामान तो ईटानगर में इजीली नहीं मिलता है और दूसरा को मांगने से भी नहीं दे सकता है, इसी टाइप का ओके हम लोग बहुत कष्ट कर किया है। क्योंकि हम 2013 को बेसिक करने के बाद बीच में बहुत सारा गैपिंग हो गया था, फिर मेरा एग्जाम स्कूल समय में भी जब मार्च अप्रैल में हम लोग का स्कूल का एग्जाम होता है तो उस समय में हम लोग का एडवेंचर का सीजन भी होता है जब ट्रैकिंग एक्सपीडिशन का होने से ना, तो ऐसे होके हम बीच में गैपिंग होके तो 2017 में हम लोग फिर री शुरू किया है। तो मरासर का साथ में माउंट कांगटो माउंट चुमु एक्सप्लोर किया, अभी जो रिसेंटली जो मरासर जो गायब हुआ था जो क्यारी सताम वो एरिया में भी गया, तो ऐसे करके शुरू करके फिर उसका 2018 में हमको नेपाल से उसे एक कंपनी से मतलब एक तो दाता दिया था, मतलब जो एस्टिमेट कॉस्ट दिया था 1,60,000 का जो प्री माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए ना, अगर जो एक्सपीडिशन को पास होगा तो प्री नेक्स्ट एवरेस्ट ट्राई कर सकता है करके, तो उसको हमको हम लोग का इंडियन करेंसी में 160 था, 1,60,000। तो उस मेरा पास तो कुछ नहीं था, मेरा पास उस समय में अपना नाम से पासबुक भी नहीं था, तो उस वो कागज़ को लेके हम बहुत लोग का साथ में कागज़ को लेके बताया है। तो लास्ट में हम लोग का फैमिली वाला भी हमको मना किया इसे जंगल में मत जाओ करके ना, मेरा पिताजी तो मेरा फैमिली हम फैमिली का सबसे बड़ा है और सबसे लड़का का लोता पीस है पिताजी का ना, अभी सेकेंड माँ का एक छोटा बच्चा है 3 साल का बच्चा, उस समय में तो हम ही था। तो पिताजी जो भी और मना करता था, स्पेशली हम लोग का ट्रैवल्स जो हम लोग का स्पेशली इसी फैमिली में तो लड़का बच्चा जरूरी होता है, लड़का ही चाहिए बोलते हैं ना, तो वो सिंगल लोता पीस अगर जंगल में जाके मर गया तो उसका क्या होगा बोल के सब इसी करके हमको मान। तभी भी हम बीच बीच में अपना से जो क्या करके हम दूसरा को अप्रोच करने जाते तो वो कागज़ को लेके सर मतलब हमको हेल्प करो करके हम इसे ऐसे करना चाहते हैं, हम अपना कोर्स करने वाला सर्टिफिकेट को भी लेके दिखाया है। तो लास्ट में जब हम लोग का चर्च कैथलिक चर्च में हम जाता है चौथा से पादर सिस्टर लोग का साथ में, क्योंकि पादर सिस्टर लोग को इस साथ में क्यों इतने सब बोलने से वो लोग जैसे हम लोग का ऑर्फन बच्चा लोग को थोड़ा एजुकेशन देता है, तो उसका साथ में स्कूल तो हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है लेकिन ट्यूशन सेशन टाइप का जैसे जो एक्स्ट्रा जो नॉलेज देता था तो उसमें हम इसे करके फादर लोग का साथ में अटैच करके एक तो फादर को हम बताए ये हमको 1,60,000 चाहिए बोल के एवरेस्ट मतलब प्री एवरेस्ट के लिए जाने का। फादर जो बोला हम लोग का पास भी फंड नहीं है, पैसा नहीं है, पारिस में कुछ भी नहीं है, पारिस डेवलपमेंट के लिए भी कुछ नहीं है बोल के, लेकिन हमको प्रेयर का साथ में प्रेयर एक तो लिख के उसका प्रेयर इंटेंशन एक तो रख के उसका अपील लेटर एक तो लिख दिया जो इसका साथ में उसका पीछे में एक तो हमको नाम लिख दिया इसका जो बिलीवर का पास में जाओ कर। तो उसमें हम लोग का होम मिनिस्टर बामंग पेलेक्स जो
PhD मिनिस्टर था, तो वो जो हम लोग का सेम चर्च में जाता है, फादर जो हमको उसको भी बताया उसका पास जाओ, तो हम बहुत लोग का पास गया यूथ दो तीन टू लेके चर्च का, तो होम मिनिस्टर का पास में हम लोग अपॉइंटमेंट लेके, मतलब उसमें होम मिनिस्टर नहीं था बामा फेलिक्स, जो PhD मिनिस्टर था उसका पास में अपॉइंटमेंट लेके बंगला में जाके मिला है। तो सर जो बहुत रिस्पॉन्स किया है ऐसे करके, तो हमको दो तीन दिन टाइम दिया, एक हफ्ता का बाद बताएगा बोल के, हम वेट किया, अभी तो मतलब हम जाने मिले ऐसे एक होप था। तो धीरे धीरे उसका दूसरा दिन तक, तीन दिन तक हमको कवर नहीं मिला, दूसरा दिन में हमको कॉल किया है, तो आपका जो कागज़ जो हम एक आदमी को दिया है वो अभी तक रिस्पॉन्स नहीं किया है बोलते, तो दूसरा दिन एक हफ्ता टाइम दिया, दो दिन टाइम दिया, तो उसमें हम लोग जाके मिलने गया था, तो बोला है हमको, बोला है आपका भैया को मिलो ना, हम लोग का बड़ा भैया एक तो अपना फैमिली का सौरंग जो दीदी ऐसी था UPI का परफॉर्म पड़ेगा दीदी ऐसी था, उसको मिलो बोल के हमको बोला था, तो उसको पास में हम सुबह गया है जाके सर अच्छी को मिला ऐसे ऐसे करके, तो अच्छी जो हमको बताया, फिर वो हमको एक हफ्ता टाइम देके ऐसे करके करते करते, फिर लास्ट में जो होम मिनिस्टर उसमें बामांग फेलिक्स का थ्रू से अच्छी को बात करके अच्छी से फिर हमको 1,60,000 मिला लास्ट में ना, तो अच्छी 1,60,000 देने के बाद फिर हम लोग चर्च का एल्डर्स लोग कलेक्शन होके मेरा 2,00,000 कलेक्शन होने के बाद, तब हम जो नेपाल जो मैं गया माउंट एवरेस्ट प्री एक्सपीडिशन, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप प्लस और आइलैंड पिक जो नेपाल में है 6,160 मीटर है, तो उसको हम सबमिट किया उसमें 2018 में 18 अप्रैल में ना, तो एक्सपीडिशन जो सक्सेस होने के बाद हमको उधर नेपाल का जो एजेंट गवर्नमेंट जो रजिस्ट्रेशन वाला एजेंसी जो हमको एक तो कोस्ट दिया है एवरेस्ट जाने के लिए, नेक्स्ट 2019 में आप एवरेस्ट जा सकते हैं करके 26,75,000 का एक कोस्ट बना के एस्टिमेट बना के भेजा है, तो उसको हम वापस लेके अरुणाचल में आपके पूरा गवर्नमेंट का सब डिपार्टमेंट को दिया है, मतलब डिपार्टमेंट यूथ अफेयर्स वाला को भी बताया है हमको नेक्स्ट एवरेस्ट जाना है बोल के ना, तो इसे करते करते वो बहुत लेट हो गया था क्योंकि 2018 से हमको सिलेक्शन आता था, फिर इसे करते करते हमको 2021 में जाने, फिर 19 में भी हम फाइनेंशियल अरेंजमेंट के लिए, लेकिन मेरा तो फिजिकल फिट टूटा अपना से फाइनेंशियल प्रॉब्लम का वजह से हमको 2018 से लेकर 21 तक रुकना मीन्स उसमें हम अंडर फोर्सेस ही था, अंडर फोर्सेस में मतलब अपना खुद मैनेजमेंट करने में ही लगा, उसका बाद मैनेजमेंट करते करते फिर हम कांगयाचे टू भी गया ले लद्दाख में एक्सपीडिशन, उसमें भी समर एक्सपीडिशन था, तो उसमें हम लोग का अरुणाचल से एक लड़का था जो ताबू दायम, हम दोनों साथ में डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करके अपना से लोन लेके दूसरा से लोन लेके डायरेक्टर जो हम लोग को सजेस्ट किया था आप कहीं से भी मैनेजमेंट करके जाओ बाद में रीएम्बर्समेंट देगा बोल के, तो हम दोनों जैसे दूसरा से उसका कोई अपना आदमी से लोन लेके गया, तो लोन लेके जाके ऐसे एक्सपीडिशन सक्सेस करके वापस आया है, वो बहुत लेट का बात थी, रीएम्बर्समेंट डिपार्टमेंट वाला दिया था लेकिन वो लोन जो परसेंटेज बहुत बढ़ जाता है ना, तो उसमें हम लोग को और भी मतलब इसे ऐड करना ऐड करके दिया एडजस्ट करके ना। तो अभी जैसे तागिक ने बता दिया है कि एक्सपेडिशन माउंट एवरेस्ट तक जब भी माउंट एवरेस्ट में सबमिट करने जाता है तो करीबन 26 लाख आपका बहुत बड़ी बात है। और ताकि मतलब बहुत ब्रीफ में जानना चाहूंगा कि हर एक कोई का एक इंस्पिरेशन रहता है, जैसे मेरा खुद का बात करें तो मेरा पिताजी है बचपन से ही है, तो आपका कोई ऐसा इंस्पिरेशन या फिर जिसको आप अपने लाइफ का हीरो मानते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ कोई है आपके लाइफ में? मेरा तो अपना जो पर्सनल जैसे क्या मैं जो अभी प्रोफेशनल जो एडवेंचर चीज में, ये तो मेरा अपना जो हम अभी जो मिसिंग हुआ है तपी मारा सर का थ्रू से, मतलब ये जो हम एडवेंचर ज्वाइन किया असली बोलने से, क्योंकि उस समय में चौथा में हम लोग एडवेंचर ये सब पता नहीं था, लेकिन नेचुरली जो अपना फिजिकल फिटनेस तो था, लेकिन एडवेंचर चीज़ को मोटिवेशन जो भी जो एक्सपायर है उससे मिला है, और उसका बाद अंशु जनसनपा उसका तीन मीना तीनों जो
अरुणाचल का पार्ट से तो वो लोग आने के बाद तब हमको भी ऐसे लगा कि वो लोग एवरेस्ट जाके आया कहानी बताया ऐसे करते समय में हमको भी ऐसे लगा कि हम लोग भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि हम क्यों हम लोग भी नहीं कर सकते ऐसे ऐसे फील होके तो हम वो चीज़ को जानने के लिए कोर्स किया। कोर्स करने के बाद धीरे धीरे मेरा मतलब मन जो और स्ट्रॉन्ग होते गया ना, तो फिजिकल तो ऑलरेडी है ही है तो सिर्फ उतना था कि फाइनेंशियली में कमजोर था, तो उसे करते करते अपना खुद को मतलब मोटिवेशन जो खुद में ज़्यादा फोकस खुद अपना खुद को ही ज़्यादा हुआ है। लेकिन हम इतना ही सिर्फ सोचता था मेरा नसीब में अगर हमको एवरेस्ट जाने का मौका मिलने से हम श्योर एक बार जाने मिलेगा बोल के ये मेरा सोच विचार था। सिर्फ इतना ही सिर्फ था कि हम सिर्फ अपना लेवल में देश तय करेगा ना, ये सिर्फ सोचता। अगर नसीब में नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं है, ये मैं हम डिस्कस। और बहुत कम लोग जानते होंगे ताकि सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, और ताकि जब से 2021 को जब माउंट एवरेस्ट समिट करने के बाद जब वापस आए उसको बहुत जगहों पे मतलब फेलिसिटेशन तो किया ही है, फेलिसिटेट किया है, लेकिन उसके अलावा ताकिद लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। मैंने देखा है कॉलेजेस स्कूल्स में जाते हैं तो जितने भी यंगस्टर उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि उनके वो भी कर सकते हैं, अगर कुछ अगर यू नो लाइफ में अगर कुछ आप ठान लेते हैं करने का तो कर सकते हैं इस तरह का। तो आप तो अभी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं जाकर। और आपके लाइफ में कोई ऐसा है जो आप थ्रू आउट अभी तक आपको सपोर्ट करने वाला फैमिली मेम्बर्स हो या फिर कोई भी आउटसाइडर जो मतलब सिर्फ फाइनेंशियली नहीं कोई मॉरली सपोर्ट ऐसा करने वाला, थोड़ा अगर आप शेयर करना चाहे कुछ इंसिडेंट अगर आपके लाइफ में ऐसा है कुछ है। हाँ, इसे तो मतलब बहुत सारा जैसे एल्डर्स लोग सपोर्ट करने वाला बहुत है। जैसे बीच में हम जो 4 साल का बीच में जब 2018 से 21 का बीच में ना जब मैनेजमेंट जब चल रहा था बहुत सारा लोग सपोर्ट भी किया और बहुत सारा लोग डिस्करेज करने वाला भी है। इवन इतना तक भी बोलने वाला है आप इतना पैसा खर्चा करके उधर जाना क्या जरूरी, उतना में या हमें ऑफिसर ही मिल जाएगा। तो अभी मतलब इसे टाइप का ही मतलब बोलते समय हमको तो दिल में उसको जवाब मेरा वर्ड जवाब का जवाब करने देने के लिए मेरा वर्ड नहीं था, हम सिर्फ उतना ही बोलता था अच्छी मेरा ये हमको इसके लिए मतलब एवरेस्ट जाने जा रहा है बोल के ये हम आप किसी को हम अप्रोच कर पा रहे हैं ना, तो ये मैं हम सिर्फ बोलता था अगर ऐसे नहीं होगा तो हम किसी को किसी पैसा मांग सकेगा ना, अप्रोच भी नहीं कर पाएगा। तो इस बीच में मेरा वही है कि हमको जब सपोर्ट किया मतलब अपना से पास में तो हम अकेला ही था, तो जैसे खुद को इसे अकेला फील करता था कि हम ही कुछ खुद ही जितना करेगा हम खुद करेगा ऐसे कर सोचता था। तब मेरा अपना जो अभी जो लाइफ पार्टनर मतलब ऐसे ही है कि जो अभी क्या बोलते हैं एंगेज किया लोकल एंगेजमेंट जैसे पीएनसी है, तो मेरा उसको मिला जब तब से हम खुद को ऐसे लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है ऐसे टाइप का ही सोचा था। तो उसका नाम भी बता देगा आकू है निकतर आकू। तो वो जो एक्चुअली उस समय में जब हम वो चल रहा था उस समय में ईटानगर में नहीं था क्योंकि वो दूर में था ना नमसाय में था। तो ये जब ये कोविड का समय में कोविड नहीं आने से पहले वो जो यहाँ में पढ़ने के लिए आया था ईटानगर में क्योंकि जो उधर में एक्चुअली पढ़ाई भी कर रहा था और जॉब भी कर रहा था ना कुछ तो इतना हम लोग इसे क्लोजली मतलब फिजिकली जो हेल्प जो नहीं मिलता था एक साथ ना, जब वो ईटानगर आने के बाद हमको हेल्प मिला है तो साथ में घूम के क्योंकि मेरा नहीं बोलने वाला चीज़ को वो बोल देता था क्योंकि कई ऑफिसर को किसी भैया लोग का साथ में जाने से वो सीधा मतलब बोल देता था कि हम तो ज़्यादा एक्सप्रेस अंदर का जो चीज़ को नहीं बोल सकता सिर्फ जस्ट शॉर्टली बोल सकता है अच्छी हम एवरेस्ट जाना चाहता है इतना बोलता था, लेकिन वो जो पूरा डिटेली बताता था कि ऐसे ऐसे है बोल के वो सब हमको बहुत सपोर्ट मिला फुल सपोर्ट मिला उसका वजह से हम एवरेस्ट जाने मिला। नहीं तो बीच में उस समय एवरेस्ट जब 2021 में भी जब बीच में मैनेजमेंट नहीं हो रहा था तो हम लोग का मैनेजमेंट जो गवर्नमेंट का तरफ से 10 लाख मिला फिर बाकी जो कमेंट्स करने वाला लोग नहीं मिलने का वजह से फिर सब कुछ खत्म हो गया था। फिर अभी क्या करेगा ऑप्शन नहीं था, हम जो सोचा है हम तो मेरा दिमाग में एक वर्ड सोचा था कि कोई जो गवर्नमेंट का पैसा दिया वाला उसको हम गवर्नमेंट को ही रिटर्न दे देगा, चेक को रिटर्न देगा, मीडिया बुला के प्रेस ब्रीफिंग करके ऐसे सोचा था, उसको भी हम बताया हम इसे करेगा ना। तो जो हमको इतना समय में इतना मोटिवेशन दिया कि आप इसे मत करो, इसे आप क्यों कर सकते, इसे क्यों कदम उठाएगा ना, जब तक हम लोग है तो हम लोग ट्राई करेगा बोल के तो अपना लेवल में ट्राई करके तभी मैनेजमेंट हो के हम एवरेज करीबन 16 लाख मैनेज किए। 16 लाख मतलब हम लोग 6 लाख तो हम लोग पर्सनल लोन लेके गया था, 10 लाख जो मैनेजमेंट जो उसमें गवर्नमेंट ने 10 लाख दिया था और 10 लाख
अभी तो एवरेस्ट जाने के लिए अभी तारती जाएगा इसे, तो उस समय में वही मोटिवेशन देके वो जो एक व्हाट्सएप ग्रुप करे उसमें तो कोविड का समय में पर्सनली जैसे हम दोनों मिल रहे ऐसे भी नहीं मिल सकता था, दूर दूर में सिर्फ घर में हर किसी का घर में नो एंट्री साइन लिखता था ना, नो मास्क ऐसे सिर्फ लिखता था और लॉकडाउन भी था ना, गैदरिंग ऐसे भी नहीं हो सकता था ऐसे होके बहुत प्रॉब्लम था और मेरा दिमाग तो मतलब उसमें आउट हो चुका था। और उसे आगे कोविड 29 में तो कोरोना जब लॉकडाउन समय में पूरा दुनिया ही लॉकडाउन था ना, एवरेस्ट एक्सपीडिशन भी नहीं हुआ है उस समय में, तो मेरा पूरा क्या हो गया था डिप्रेस, एक हफ्ता जैसे हम रूम से भी बाहर नहीं निकल आए। तो उस समय में हम जो सोच रहा था इसलिए हम 19 तो इलेक्शन था अरुणाचल का, तो हम अपना MLA को भी बताया, सब लीडर लोग को भी बताया हम तुंती को एवरेस्ट जाएगा, हमको जैसे भी सपोर्ट करो। तो तुंती को लॉकडाउन हो गया, मेरा जो बोलने वाला जो पूरा पानी में क्या हो गया, बंद हो गया, पूरा खत्म हो गया। तो हम और भी दिमाग खराब होके तो हम लास्ट में जंगल में जाके मतलब ट्रैकिंग के लिए ये दरिया हिल में पूरा हम लोग 3-4 दिन इसे घुमाए, तो इसे करके अपना खुद को मोटिवेशन किया। उसके बाद फिर सुबह उठ के जॉगिंग करने जाता था IG पार्क में, तो हम सुबह 2 टाइम जाता था, मॉर्निंग जाता था और इवनिंग को जाता था। तो उसमें बहुत आदमी लोग आता था ऐसे जॉगिंग के लिए ना, तो उसको देख के अपना खुद भी इसे मोटिवेशन भी होता था। और कोई कोई किसी का पैर ठीक नहीं होने वाला भी आता था और अलग अलग किस्म का आता था, और दूर दूर में हम तो नाहरलगुन ईटानगर ऐसे जॉगिंग भी जाता था। तो इसे करके फिजिकल फिटनेस बना के, तो इसे और एक्सरसाइज करने से तब माइंड जो मतलब वो चीज़ को दिमाग से आउट हो जाता है, मतलब सोच विचार इतना नहीं होता है। इसे होके मेरा मोटिवेशन होके तभी हम ये 21 का एवरेस्ट जा पाया है ना। तो 21 में भी तो इसे मैडम का उसका आइडिया से हुआ है, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके दूसरा सामने में नहीं जा सक रहा है, तो उसको व्हाट्सएप में ऐसे पाउंड राइजिंग करके अकाउंट नंबर से शेयरिंग करके इसी करके कलेक्शन होके 10 लाख मतलब 20 लाख तक कलेक्शन हुआ है पूरा अमाउंट मिला के। उसके बाद हम दोनों अपना से पर्सनल लोन लेके, पर्सनल लोन उसका तरफ से भी बहुत लोग से दोस्त लोग से लोन लिया है, और हम लोग का अरुणाचल कैथोलिक एसोसिएशन का 5 लोन लिया है। वो भी हम जब उधर नेपाल जाने का बात ही वो लोग मतलब यहाँ से रिक्स ले बोल के से गया, मेरा हाथ में नीत पैसा नहीं आया था, तो हम मैडम का ही हाथ से लेके वो डाल दिया। हम उधर पहुंचने का बाद ही डाला है, हम रिक्स लेके गया था यहाँ से ना, होप से मतलब ऐसे मतलब हो जाएगा करते हाँ नहीं, पर मतलब मेन जो ऐसे था कि यहाँ में बीत के भी मतलब दिमाग जो आउट हो रहा था ना, कुछ भी काम खाना भी अच्छा से नहीं हो रहा था और नींद भी अच्छा से नहीं हो रहा था, क्योंकि हर कोई मेरा दोस्त लोग पूरा से हमको व्हाट्सएप में दे रहा है कि हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं एवरेस्ट बेस कैम्प कैम वाइज पूरा पतो बेच रहा है ना, सब जा चुका था उधर ऑलमोस्ट एवरेस्ट बेस कैम्प पहुँच चुका था टीम जो, और हम सिर्फ था कि टिकट भी नहीं मेरा रेडी नहीं हुआ था यहाँ में ना। जब यहाँ में ये हम लोग का धीरंग का एक लड़की था संग किया जो ताशी यंगजम भी हमको बता रहा था, वो बोल रहा था कि वो निकल गया नेपाल जा रहा है बोल के, हम एक्चुअली हम दोनों एक साथ प्लानिंग करके एक साथ यहाँ से फ्लैग ऑफ करके जाएगा बोल के प्लानिंग था, तो उसका आगे चला गया, फिर हम मेरा तो टिकट भी नहीं बन रहा है अभी क्या करेगा। तो लास्ट में हम वो बाई रोड गया, हम लास्ट में जब यहाँ से गुवाहाटी से फ्लैट टिकट काट के, वो भी टिकट भी नहीं मिलता था जो उस समय में कोविड का समय में, दिल्ली टू काठमांडू का हम 39,000 करके टिकट जबरदस्ती एग्जस्ट करके गया है, वो भी रिक्स लेके ना, क्योंकि नहीं तो हम बाई रोड जाएगा बाद में कोरोना हो जाएगा, कहीं क्वारंटाइन में भेजेगा, मेरा एक्सपीडिशन खत्म हो जाएगा, जाने नहीं मिलेगा, यही रिक्स लेके हम फ्लैट डाउन होने से भी सोच के टिकट 39,000 करके टिकट काट के गया है रिक्स लेके ना। अभी अभी तागित ने जो बताया जैसे जरूरत नहीं है, जैसा लोग सोचता है कि बहुत लोग साथ देना जरूरी है, एक अगर अच्छा और जैसे सच्चा इंसान साथ देने से भी लाइफ चेंज हो सकता है, जो अभी आपने बताया जो आपका फियांसे या लाइफ पार्टनर कह सकते हैं। तो अभी ताकि जैसे बहुत सारा चीज तो बता दिया को ये जैसे अभी हम जानना चाहेंगे और आपकी तरफ से काइंड ऑफ लाइक लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा, या फिर जो भी दर्शक देख रहे हैं स्पेशली यंगस्टर्स ना, जैसे आपने तो बहुत चीज़ शेयर किया है कि कैसे करके आपने मैनेज किया, कैसे आपने एक्सपेडिशन कंप्लीट किया, तो
कौन से तारीख में आपने कंप्लीट किया था, मतलब माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया था, वो बताइए। मेन जो हम यहाँ से अप्रैल 4 को ईटानगर से निकला था, फ्लैग ऑफ हुआ था मेरा, 5 तारीख को यहाँ से निकल के ऑलमोस्ट हम 2 महीना एवरेस्ट बेस कैंप में बिताए। तो उस समय में 2021 में सुनामी आया था ना, आप लोग को पूरा मालूम होगा, 2 बार सुनामी आया था इंडिया में, जो सुनामी का वजह से साइड इफेक्ट होके एवरेस्ट में बहुत सारा जो बर्फबारी जो ज़्यादा हुआ है ना, जब नेचुरल जो चीज़ जो कोई भी कंट्री का वेदर फोकस जो वेदर रिपोर्ट देने वाला जो प्रेडिक्ट नहीं कर पाया है उधर में, ऐसे हुआ है तो इसे हो कि हम लोग ऑलमोस्ट 2 महीना ज़्यादा था। तो मेरा जो 31 में 2021 में समय था, 31 मई को 31 हम लोग एक्चुअली ऑलमोस्ट हम लोग का उस समय में ऑलमोस्ट बाकी दूसरा कंपनी वाला लोग का पूरा क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था एक्सपीडिशन उधर से के बेस कैम्प से सब पूरा कैम्प 2 कैम्प 3 तक कैम्प था ना पूरा, सब टीम जो ऑलरेडी वेटिंग कर रहा था वेदर को, लेकिन वेदर खराब होने की वजह से सब नीचे चला गया। तो हम लोग भी प्लानिंग कर रहा था, सोच रहा था कि दिल जो अभी नेक्स्ट टाइम तो नेक्स्ट बार तो हम लोग भी रिटर्न जाना पड़ेगा। तो इतना मेरा दुख था कि एटलीस्ट हमको उधर से अरुणाचल से इतना कुछ तो करके आया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फिर यहाँ में आके फिर वेदर इतना कुछ तो दे रहा है, फिर इसे भी सोच रहा था कि अभी समित अगर जाने नहीं मिलने से अभी मेरा क्या होगा ना, हम दूसरा को जो जो 1 रुपया 2 रुपया जो मेरा हमको प्यार से जो कलेक्शन देने वाला लोग हम क्या बताएगा, घर घर में जाके किसी को तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा वेदर ऐसे था बोल के, वो मेरा सबसे टेंशन था। तो उसमें हम सिर्फ पटना ही करता था कि लेकिन फाइनली 31 मई तो अभी जैसे आखिरी सवाल मतलब कि आपसे आपकी तरफ से लाइक वर्ड ऑफ सजेशन या फिर मैसेज चाहेंगे जितने भी यंगस्टर ये देख रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे कि जो भी देख रहे हैं। वही मेन जो अभी वही सबको यूथ लोग को वही अपील करेगा मेरा तरफ से, हम तो हमेशा वही बोलते हैं आप जो भी करता है दिल से करो ना, दिल से मेहनत करो, दिल से अगर हार्ड वर्क करेगा ना कुछ आपका रिजल्ट आएगा, अच्छा ही आएगा आपके लिए। और आप हार्ड वर्क नहीं करके आप कुछ भी नहीं करके घर में वेटिंग करते रहने से आपका किस्मत में कुछ बनने के लिए कुछ काम करने के लिए कुछ अच्छा आदमी बनने के लिए लिखा होने से भी आपका वो दिन नहीं आएगा। आपको हार्ड वर्क जरूरी है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, जबकि मेहनत नहीं करेगा तो आपका ये अच्छा रिजल्ट वो चीज़ जो नहीं आएगा। तो इसलिए हम वही अपील करते हैं आप जो भी काम करते हैं हार्ड वर्क कीजिए, और स्ट्रॉन्गली मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए खुद को फिजिकली फिटनेस होना जरूरी है। जब आप फिजिकल फिटनेस नहीं होगा तो आप सब कुछ आपका पास सब कुछ है लेकिन आपका पास फिजिकल कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएगा। अभी जो आपका पास कुछ नहीं होने से भी जैसे हम अपना आपको ही वही मतलब एग्जांपल देता है, मेरा पास सब कुछ फिजिकल फिट था इसका वजह से हम ये एवरेस्ट जा पाए, नहीं तो मेरा पास 1 रुपया भी नहीं कुछ भी नहीं था, मेरा पास ना पासबुक अपना नाम से भी जब एडवेंचर शुरू किया था नहीं था, लेकिन भी हम शुरू किया अपना फिजिकल फिटता बोल के हम एवरेस्ट जा पाए। इसलिए अपना आपको फिजिकल फिटनेस जो भी जो मेंटली फिटनेस को खुद को बनाना है, और दूसरा को देख के सीख के ऐसे करेगा ऐसे नहीं है, अपना खुद को ही बनाना, खुद भी मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है, और कोई भी जो भी आपका दिमाग में निगेटिविटी जो भी दिमाग में सोच विचार में आता है उसको चेंज मतलब आउट करना है अपना खुद को ना, नया जो सोच विचार में लाना है, निगेटिविटी को हटाना है। जैसे कोई कोई सोचता है ना निगेटिविटी घर इधर उधर नहीं जाके घर अंदर बैठ के निगेटिविटी के बारे में सोचते रहता है, तो बहुत सारा आपका हाथ में आजकल तो आपका हाथ में ही बहुत अपना हाथ में बहुत है ना, कि नहीं फिजिकल फिटनेस के लिए भी आप देखिए मोबाइल से देखिए बहुत योगा करता है, बहुत लोग करता है मेडिटेशन क्या क्या करता है, तो मोबाइल आपका हाथ में ही सब कुछ है, दुनिया ही आपका हाथ में है ना, तो आप उसको देखिए आराम से अच्छा चीज़ को सीख सकते हैं, उसमें भी खराब चीज़ बहुत है, खराब चीज़ को जो नेगेटिव चीज़ को आप फॉलो नहीं करके जो पॉजिटिव चीज़ है पॉजिटिव थिंकिंग लेना है और पॉजिटिव चीज़ को लेना है, अपना लाइफ में भी जो भी काम करता है पॉजिटिवली लेना है, तो जो भी करता है वो आपका हार्ड वर्क का साथ में पॉजिटिवली करेगा तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और अच्छा ही होगा आपका लाइफ में। वही हम अपील करते हैं आप जितना भी जो भी यूथ है अभी मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना आपका हाथ में है, और जो पॉजिटिव ही जो काम को आगे पॉजिटिवली सोच के करो तब ठीक होगा। वही रे, थैंक यू सो मच। और तागी ने बहुत अच्छा बात कहा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हार्डवर्क और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है एक इंसान को, जो इन्होंने खुद एक एग्जांपल सेट किया है। तो जाते जाते आखिर में हमारी ओर से आपको थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए, एंड
हमारे और साहब के लिए कमिंग डेज आप जिस तरीके से मोटिवेट करते हैं उसे करिए, और जो भी आप सोचते हैं इन कमिंग डेज आप करना चाहते हैं वो फुलफिल हो, हमारे तरफ से वही विश रहेगा। एंड ये थे तागित सोरांग जो कि अरुणाचल प्रदेश के यंगेस्ट माउंट एवरेस्टर है, और इसी तरीके से हम आप सभी को रूबरू कराएंगे अरुणाचल प्रदेश के खास लोगों से जिनकी कहानियों को सुनकर आप अपने लाइफ में मोटिवेट और इंस्पायर हो जाएंगे। जल्दी मिलते हैं।